एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुचिश रानार बहार। आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे हो। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अभी कोलकाता में तो बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। तो अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, मतलब आम का सीज़न। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद रेसिपी लेकर के आई हूँ। आम का सीज़न चल रहा है तो फिर आम का ही रेसिपी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्पेशल आम पिकल, जो मेरे घर में सबका फेवरेट है। जब भी मैं बनाती हूँ, मतलब अगर एक बॉटल बनाऊँ ना, एक शीशी बनाऊँ, तो मुझे उसको सब कुछ देना पड़ता है, मतलब इतना ही फेवरेट है। तो फिर चलिए, वही मेरा फेवरेट आम का पिकल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मज़ेदार बात यह है कि एक ही दिन में आप ये अचार बना के खा सकते हो। बहुत ही झटपट एंड क्विक रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आप लोगों को ये मेरा रेसिपी अच्छा लगेगा आज का। और तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो पिकल। ये आम का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 kg का आम से बना रही हूँ। तो 1 kg आम को मैं इस तरह से ली हूँ और इसका मैं भी छिलका उतार रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले सारे आम का छिलका उतार लेती हूँ। देखिए, सारे आम का छिलका को हटा के इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। अब इन सारे आमों को मैं कद्दूकस करूँगी इसके थ्रू। ये देखिए इस तरह से मैं सारे आमों को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देखिए, सारे आम जो है वो कद्दूकस करना हो गया है। इसमें काफ़ी पानी निकला है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जितना हो सकता है हाथ से निचोड़ के सारे पानी को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम सारे पानी को इस तरह से निचोड़ रहे हैं, देखिए। ये देखिए इस तरह से निचोड़ दे रहे हैं अच्छे से, ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए। इस तरह से निचोड़ निचोड़ के सारे ये आमों में से सारे पानी को हमें निकाल देना है। देखिए कितने अच्छे से पूरा पानी जो है वो निचोड़ लिए है, एकदम ड्राई हो गया है ये। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे हल्दी पाउडर, और नमक, अब इसे हमें अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है। हल्दी और थोड़ा सा लगेगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको पूरे थाली में अच्छे से हम फैला देंगे इस तरह से, एक पतला सा लेयर करके। इस तरह से ये देखिए इसको एकदम पतला लेयर करके जो है मैं पूरे थाली में इसको फैला दी हूँ। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटा के लिए एकदम कड़ी धूप में इसको हम रख देंगे, ताकि ये आम जो है वो 60% से 70% पूरा सूख जाए। यहाँ पे धूप में इसको मैं रख देती हूँ
एक से डेढ़ घंटे के लिए। तब तक अचार का एक मसाला तैयार कर लेंगे। राई, सरसों, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, ये सारी चीज़ों को पहले मैं छिलका इसका हटा देती हूँ। और तब तक ये थोड़ा सा राई और सरसों मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्वांटिटी में देना है। मैं यहाँ पे 3 चम्मच सरसों और 3 चम्मच राई जो है वो मैं ली हूँ। इसको हम अच्छे से पूरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये एकदम जो है पूरा पाउडर बन गया है इसका। तो चलिए अदरक लहसुन को छील लेते हैं और इसी में ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देती हूँ। इससे अचार में एक बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इस आम को 1.5 से 2 घंटा धूप में देने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अजवाइन। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैं यहाँ पे सरसों राई मिक्स करके रखी थी, और इसमें मैं थोड़ा सा कश्मीर रेड मिर्च पाउडर ऐड की थी, उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है आम के साथ। अब मैं मिक्सी में अदरक लहसुन और हरी मिर्च को दे दी हूँ। इसको मुझे सूखा ही इसको मैं थोड़ा सा घुमा लूँगी ताकि ये पूरा दरदरा हो जाए बट इसका पेस्ट ना बने। ये देखिए, इस तरह से एकदम ड्राई जो है इसको मैं दरदरा पीस ली हूँ। अब इसे मुझे इस आम में मिक्स करना है। अब अच्छे से फिर से आम के साथ इसको मिक्स कर देंगे। मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जितने भी सारे मसाले हैं ना, ये बहुत अच्छे से एकदम पूरे आम को जो मैं कद्दूकस की हूँ इसमें बहुत अच्छे से जो वो मिक्स हो जाए, इसलिए मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। आप चाहो तो चम्मच का यूज़ कर सकते हो। पूरे आम को फिर से अच्छे से पूरा थाली में फैला दिए हैं। अब मैं इसको एक दिन पूरा धूप में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाए। एक दिन पूरा इसको धूप में देने के बाद आप देख सकते हो कि ये पूरा अच्छी तरीके से सूख गई है। अब मैं क्या करूँगी, सरसों का तेल एक कांच का व्यायाम में सबसे पहले डाल देती हूँ। इतना ही पहले दे रही हूँ, उसके बाद फिर दूंगी। अब सारे आमों को मैं इसमें तेल में दे दूंगी। अब मैं ऊपर से और थोड़ा सा तेल डालूंगी और 1 चम्मच के थ्रू अच्छे से आम को मिक्स करेंगे तेल के साथ। आप देख सकते हो मिक्स करने के बाद सारा तेल जो है कितना अच्छे से सारे आम में जो है वो अब्सॉर्ब हो गई है। मैं और थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। बस बन गई ना एक ही दिन में अचार आम का। तो आप लोग भी घर में इसको ट्राई करिएगा। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ये मैं हर साल बनाती हूँ ये अचार, क्योंकि ये बहुत झटपट में बन भी जाती है और ये बहुत टेस्टी रहती होती है। और आप इसको 1-2 साल के लिए आराम से रख सकते हो, बट आप कोशिश करिएगा अचार को कांच के ही जार में रखने के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरी ये आम की अचार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों को कौन कौन सी अचार आती है वो भी मुझे बताइएगा, रेसिपी शेयर करिएगा मेरे साथ। तो फिर चलिए, फिर बहुत जल्द मिलेंगे फिर कोई नया वीडियो लेकर के। आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।